हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल टॉपिक के बारे में जो किडनी से रिलेटेड नहीं है, बट एज अ डॉक्टर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि पब्लिक को इस बारे में पता हो। आपने पिछले कुछ सालों में न्यूज में देखा होगा कई रिपोर्ट्स जिसमें लोग वॉक पे जा रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और सडनली कोलैप्स कर जाते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिसमें जो यंग लोगों को हो रहा है और सडनली उनकी डेथ हो जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप हो, अगर आप जिम में हो या आप पार्क में वॉक कर रहे हैं और आपने किसी को देखा जो सडनली कोलैप्स कर गया या गिर गया फ्लोर पे, तो आपको क्या करना चाहिए? इसको समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ये होता क्यों है। जब किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही हो और वो बहुत तेज बीट कर रहा हो तो उसको अरिथमिया हो सकता है। उसमें हार्ट इतनी तेज बीट करता है कि ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में कम हो जाता है और ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। अरिथमिया एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचे जहाँ पे हार्ट रेट आपकी 200-300 तक है तो हम इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये एक वार्निंग साइन है कि आपका हार्ट रुकने वाला है और इसी पॉइंट पे लोग कोलैप्स करते हैं। अब आपने अगर किसी को सिचुएशन में देखा, आपको पहली चीज करनी चाहिए, लोगों से, आसपास के लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग आके सराउंड कर लेते हैं सिचुएशन में, एक झुंड सा बना लेते हैं, बोलते हैं नींबू लाने को, चीनी लाने को, उनसे इनको हिलाने की कोशिश करते हैं। वो सब चीज़ें ठीक है, पर पहली चीज़ है आप हेल्प मांगिए और एक एम्बुलेंस को बुलाइए। दूसरी चीज़ है आपको चेक करना चाहिए कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं भी एक वीडियो प्ले करूँगा बैकग्राउंड में जिसमें टेक्निक्स दिखाई जाएंगी देखने के लिए कि वो सांस ले रहे हैं। तीसरी चीज़ है चेक करना कि उनकी पल्स आपको फील हो रही है नहीं हो रही। वो आप अपने 3 फिंगर्स उनके गले में रख के देख सकते हैं कि उनकी पल्स फील हो रही नहीं हो रही। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनकी पल्स फील नहीं हो रही और वो सांस नहीं ले रहे, इसका मतलब उनका हार्ट रुक चुका है और आपको इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए जब तक मेडिकल क्रू या कोई डॉक्टर ना आए। पहली चीज जो करनी चाहिए हम बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन। इसके लिए भी आपको एक वीडियो बैकग्राउंड में प्ले की जाएगी और दिखाया जाएगा ये कैसे होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कंटिन्यूसली इसको करें और अपना हाथ सीधा रखें इसको करते हुए, चेस्ट के बीच में अपना हाथ रखें और 30 to 40 seconds तक आप इसको कंटिन्यूसली करें। अगर आप थक गए हो इसको करते हुए तो आप जो साथ में कोई पर्सन हो उनको बोल सकते हो कि आप चेस्ट कंप्रेशन टेक ओवर कर लो जब तक एम्बुलेंस क्रू नहीं आती। अगर ये सिचुएशन हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पर स्पेशल इक्विपमेंट है उनकी ब्रीदिंग को भी सपोर्ट करने के लिए, बट इस सिचुएशन में किसी पार्क में या जिम में हर बार ये इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता, तो आपको सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन में फोकस करना चाहिए। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है इस सिचुएशन में, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये होटल्स में, एयरपोर्ट्स में, मॉल्स में और कई जिम्स में भी अवेलेबल होता है। आप स्टाफ से पूछिए कि AED अवेलेबल है या नहीं। ये एक स्पेशल मशीन होती है जो हार्ट को रीस्टार्ट करती है स्मॉल शॉक देके। ये बहुत सिंपल है यूज करना, आप मशीन को खोलेंगे वो ऑटोमेटिकली आपसे बात करती है और आपसे आपको बताती है कि अगले स्टेप्स क्या करने होते हैं। बेसिकली 2 पैड्स होते हैं जो चेस्ट पे लगाने होते हैं और जो मशीन बोलती है वो बटन दबाने होते हैं, फिर मशीन ही आपको बताती है कि आपको शॉक वाला बटन दबाना है या नहीं दबाना। अब आपको इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई पेशेंट या कोई भी आदमी चलते हुए कोलैप्स करे और उनका हार्ट रुक जाए तो उनका सर्वाइवल चांस बहुत कम है। इंडिया में एम्बुलेंस आने में काफ़ी टाइम लगता है और तब तक उनकी डेथ हो जाती है। अगर आप ये इंटरवेंशन कर सकते हैं, अगर आप ट्रेंड हैं या आपको उसके बारे में पता है, तो चांसेस हैं कि उनका सर्वाइवल बढ़ सकता है। ये सिचुएशन आपके घर में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, जान पहचान के साथ हो सकती है या किसी दोस्त के साथ भी हो सकती है। बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, स्कूल में इसके बारे में सिखाया जाता है, बट इंडिया में कुछ जगहों पे इसकी ट्रेनिंग हो रही है, कुछ स्कूलों ने शुरू भी कर दिया है बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में सिखाना। जो हम बात कर रहे हैं इसको सबको बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, फिर भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है पब्लिक को और कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जनरल पब्लिक को इसके बारे में पता चले और उनको पता हो कि क्या स्टेप लेने चाहिए इस सिचुएशन। अगर क्विकली इस वीडियो को समराइज करना हो तो पहली चीज आपको जो चेक करनी है, अगर पर्सन कोलैप्स कर जाए कि वो सांस ले रहा है, उनकी पल्स आपको फील हो रही है, क्या वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर इन तीनों में से कोई चीज नहीं कर रहे तो आपको हेल्प के लिए बुलाना है
चेस्ट कंप्रेशन शुरू करनी है, चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यूसली करनी है। अगर आप थक गए तो किसी साथ वाले को बोलिए टेक ओवर करने को। और अगर आप एक ऐसे एरिया में है जहां पर AED या ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है तो उसको मंगवाइए और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। ये सिंपल चीजें करके आप किसी पर्सन का सर्वाइवल चांस बढ़ा सकते हैं जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुंचे। आज की वीडियो वापस थोड़ी छोटी रखेंगे, नेक्स्ट वीक से हम वापस शुरू करेंगे किडनी डिजीज के बारे में बात करना। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।